हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज नवरात्रि का सातवां दिन है ना, और कंजक बैठेंगी तो इसलिए गाइस हमारा अष्टमी होती है, हमारा नौमी नहीं होती तो हम कल कंजक कराएंगे। तो ये देखिए हर्षित क्या कर रहा है, ये देखिए टैब खेल रहे हैं, टैब खेल रहे हैं ना। और होमवर्क कौन करेगा? अभी कब करेगा? आने वाला है अभी। क्या होने वाला है? होने वाला है, हुआ नहीं ना। ट्यूशन में जाना है ना दोबारा, एक बार तो हो जाए ना ट्यूशन, दोबारा जाना है तो दोबारा का बात करो। चलो कर ले बेटा, खड़ा खड़ा हो, जल्दी से खड़ा हो। पता है वीडियो में क्या दिखेगा, इतना लेजी बच्चा है, होमवर्क भी नहीं करता है, अपनी मम्मी का कहना भी नहीं मानता है, सब यही बोलेंगे गुड बॉय गुड बॉय, कैमरे के लिए गुड बॉय। ये हाँ, क्या ये कवर है क्या? हाँ। अच्छा एक मिनट तो मैं लगा दूँ, टूट जाएगा। कुछ नहीं टूट रहा है, तो रख दे मैं लगा दूंगी, मुझे काम से ही करना है। अब टाइम में क्या देख रहा है? वो काम निकाल रहा है, निकल रहा है। क्यों, अब क्या हुआ? पजामा नहीं पहने, अभी तो नहा के पहने आए यार। बाबू तुमने अभी नहा धो के मंदिर मंदिर गया है और ट्यूशन गया है, बस है ना। अच्छा जल्दी पहने, फिर होमवर्क अपना कंप्लीट कर जल्दी से। तुझे ना बहाने चाहिए पढ़ने से हटने के लिए। अच्छा? और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा क्या मतलब, चार पांच मिनट का टाइम निकल जाएगा, बस टाइम निकल जाए। ओ बेटे आज तुम्हारी अलमारी दिख गई, देख अब खोल के दिखाई दो तुम्हारे हाल क्या हो रखे अलमारी के। मैंने कहा था ना गाइस मैं एक दिन जरूर दिखाऊंगी इसकी अलमारी, मंदिर से हट जाओ ना, टूट जाएगी बाबू, मंदिर से हट जाओ, अखंड जो चल जाएगी। अब तो दिख गई, अब क्या छुपाना, सबको मैं यही बैठूं। ये देखिए अब मैं दिखाई देती हूँ गाइस इसकी अलमारी का हाल, देखिए वाओ। मैं हर हफ्ते इसकी अलमारी लगाती हूँ कपड़ों की, और ये देखिए इसके दिन में कम से कम 3 बार कपड़े चेंज होते हैं गाइस। निक्कर पहनेगा, कभी पैंट पहनेगा, कभी पजामा पहनेगा, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता। और पता है क्या करेगा, सारे निकालेगा एक साथ सारे भाग ऐसे धर 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 के, और ऐसे छांटेगा उसमें से, और ना जो पहनना है वो निकाला, और बाकी ये ले ये ले ये ले, ऐसे ऐसे भर देगा। ये देखिए ये देखिए ऐसे निकालेगा। अभी मैं आपको ना लगा के दिखाऊंगी अलमारी, और देखूंगी इसने कितने दिन में चलाई, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने दिन में इसने खराब कर दी। ऐसे करता है, देखो देखो इसके अलमीरा देखिए गाइस, मैं बहुत मासूम बच्चा हूँ। हाँ बहुत दिख रहा है मुझे मासूम, मासूमियत ही है बस इसकी। ये देखना ये देखिए इसके कपड़े, ये इसका तरीका बता रही हूँ मैं, ये ऐसे निकालता है सारे जब नहाने जाता है सुबह। और ना फिर ऐसे छाट छाट के यूँ निकाल के यूँ रखेगा कि ये पहने हैं, और बाकी ऐसे भरेगा, ऐसे भर देगा। देखिए ये है इसके कारनामे, मैं इसके अलमीरा लगा रही हूँ, एक एक कपड़े तय करके लगाऊंगी। अब तूने बिगाड़ी ना इसको, फिर मैं बताऊंगी तुझे, देख फिर तो तू बैड बॉय कहलाएगा, देख लिया। अरे वो अपने आप हो जाती है, बट अपने आप कैसे जाती है, सारी टी शर्टें अलग, पैंट अलग, पजामे अलग, सब अलग अलग रखते हो ना। मैं चूहा आ जाता है, चूहे का नाम भी हर्षित है। जल्दी बार कंप्लीट कर, मैं अलमीरा लगा रही तेरी। ये देखिए कहेगा मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, ये तो हर किसी का रहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। मेरे पास नहीं है देखो। ये देखिए कपड़े, कि मैं वैसे शेयर लगा सकती हूँ, सौ के दो सौ के दो सौ के दो। चलो लगाते हैं इसके अलमीरा, ठीक है। मेरा यही काम है, मम्मी ने अभी वही लगाया देखो, लगा रही हूँ भी लगाई नहीं है। ये कौन सी टी शर्ट है? वाह जी वाह वाह, खुद आता है खुद रख के भूल जाता है। मुझे सही में याद नहीं कौन सी है ये, तो मुझे करनाल से लाए थे हम, है ना। ये रिंकी दीदी से मिली थी,
वो तो आपने पहन ली ग्रीन वाली, पहन लूँ अभी ये तो क्या हुआ ये छोटी हो जाएगी। चलो मैं मेरा लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी, देखो मैंने कितने अच्छे से लगाई। और आप दूसरे दिन ही देख लेना, दूसरे दिन ही देख लेना, बस हमें आधा एक घंटा लग जाएगा इसको लगाने में ना। मैम मैं मदद करूं? नो थैंक्स, आपकी इतनी मदद है कि आप इसको ना बिगाड़ा करें प्लीज। जब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ आपकी सुबह मॉर्निंग में नहाने के लिए, अभी पहन लो ये। काम करो आप अपना। ये देखिए मैंने अलमीरा लगा दी इसकी, हर्षित की, ये देखिए। लेकिन इसको क्या करना है, कल फिर से वही रूटीन अपना करना है। मैं निकाल देती हूँ आलंकी इसके कपड़े ना, जब ये नहाता है तो इसकी पसंद के निकाल देती हूँ कपड़े। लेकिन पता नहीं क्या इसको होता है कि दिन में फिर चेंज करने, और मुझे पता ही नहीं चलता लिटरली कि ये कब निकालेगा और कब चेंज कर लेगा, कब उसमें मशीन में फेंकाएगा कपड़े। नहीं नहीं मैं अभी भी तो अच्छी लग रही है ऐसी, मैं ना किसी दिन इसकी स्टडी की अलमीरा दिखाऊंगी आपको, या तो इससे पहले इसको ठीक कर ले, नहीं अपनी इंसल्ट करानी तो। ये हर्षित कितना गंदा बच्चा है, बस कपड़े कपड़े पहनने का शौक है लेकिन ना अपनी चीज़ें रखने का शौक नहीं है अच्छे से, है ना। ये किसी दिन जैसे आज ही ये अलमीरा आई है ना तेरी कपड़ों की, ऐसी किसी दिन ना ये वाली आने वाली है, देख भाई। इससे पहले अपने मेरे अच्छे से लगा ले, ठीक है। क्या सोच रहा है? लगा लेंगे नहीं, लगा लेना ठीक है। जिस दिन आपने खोली मैं उसी दिन कैमरा ऑन करके दिखा दूंगी सबको, है क्या और खोल मैं तो दिखा दूंगी। हाँ सीमेंट बस यही है, आर्गुमेंट कर लो, है ना। यानी नहीं मम्मी मैं अब अच्छे से रखूँगा, मेरी सिलाई हो गई है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं करना है ना। आप ही बताइए गाइस आपके बच्चे वैसे करते हैं क्या? बिल्कुल। वैसे ना मैं बताऊँ तो इसके पापा भी ऐसे करते हैं, मैंने उनके कपड़े निकाल दिए तो ठीक है, अदरवाइज वो भी ऐसे करते हैं, नहीं मिले तो कपड़े ऐसे करते हैं गाइस। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हाँ इनको मतलब क्या करें पूजें, है ना। नहीं क्या अब बजे हैं शाम के 5:30, हर्षु गया है ट्यूशन, चलो इतने प्लांट्स में पानी डाल देते हैं। गर्मी होती है ना वैसे सुबह भी डालते हैं लेकिन ना पानी सूख जाता है, पौधे भी सूख ही जाते हैं। ये है सर्दी में तो एक ही टाइम की जरूरत पड़ती है, इसलिए वैसे तो हर्षित डाल देता है पानी प्लांट्स में शाम को, लेकिन अभी आया नहीं है ट्यूशन से, तो सोचा मैं ही डाल देती हूँ। ये हर्षित का कजन ब्रदर है, अभी दोनों मिलके टीवी देख रहे थे, वो फोन भी है हाथ में इनके और टीवी भी, अब बंद कर दिया ना बोलते ही। ये देखो पहले एक अब दो। बच्चों को बस यही है फोन और टीवी मिल जाए और एक दूसरे एक जैसे मिल जाए। ये देखिए गाइस मेरी मम्मी आ गई है, बाहर होती है क्योंकि कल एक्चुअली भी है ना, इसलिए मैं वॉश करती हूँ पहले। ये मैं मंदिर के लिए ले आई हूँ कल, कल कंजक है ना तो अष्टमी करके कंजक बैठा के फिर ना मंदिर में चढ़ा के आएंगे माता रानी का सामान, सिंगार का सामान, चूड़ी,
और जबकि पता ही चला नवरात्रि कब चले गए, और कल ना बड़ा अजीब से लगेगा मंदिर में सोना सोना सा। गाइस गाइस हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और नारियल वगैरह ले आई कल के लिए, आलू गोभी लेके आई सुबह के लिए। राइड नहीं राइड नहीं, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पहले हम पूजा कर लेते हैं फिर मैं खाना बनाऊंगी। जल्दी से रेडी हो जाए, हैंड वॉश कराओ ठीक है। देखिए हर्षित के लिए बनाए हमने आलू फ्राइड चटनी वाले, अच्छे लग रहे हैं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच में। लेकिन मैंने ना अपना व्रत खोल चुकी हूँ, वैसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि चटनी है व्रत वाली और फ्राइड आलू है। देखने में तो गाइस मस्त लग रहे हैं, बट मैंने व्रत खोल लिया है अपना। और इसने तो मैंने व्रत के पकोड़े बनाए थे, तो इसने ना अपने आलू थोड़े से एक आलू निकलवा लिए, तक मेरा आलू फ्राई कर देना। और वैसे मैंने अब दाल रोटी बनाई है, खा ले इसको और थोड़ा चिल करके खाइए, चिल बहुत गर्म है। हम जा रहे हैं अभी मार्केट, हर्षित कह रहा था मुझे मार्केट जाए ना देख के आना कि रामायण हो रही होगी, तो हम देख के आते हैं। देखते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। अभी नहीं पता हम कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में हैं ये नहीं पता हम जा कर रहे हैं। अभी देखते हैं, कल तो हम शेक पीकर आए थे। मार्केट में बहुत रश है, हर्षित आगे बैठा है स्कूटी पर ना, तीन जने बैठ नहीं पाते गाइस, अब बीच में बड़ा हो गया हर्षित, स्कूटी छोटी है तीन जने बैठ नहीं पाते गाइस। हमें इस टाइम गीता कॉलोनी, आपने फुकरे मूवी देखी होगी उसमें एक नाम आता है कि बिल्ला हलवाई, ये देखिए ये वो है गाइस, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हाँ जी ये वही है बिल्ला स्वीट्स, बिल्ला का गाइस आप फुकरे मूवी में एक बार देखना, आपको वही शॉप दिखाई देगी, ये शॉप वही है गीता कॉलोनी में फुकरे मूवी में। हम यहाँ किसी काम से आए हैं, कुछ काम था हमको, इसलिए हर्षित मैं इसके पापा और ये रही हमारी स्कूटी। हमारी स्कूटी छोटी है कि हम तीन जने नहीं आ पाते इस स्कूटी पर, तो हर सुबह आगे बैठना पड़ता है। हमारे पार्सल आए हैं, पार्सल आने थे हमारे कुछ, तो हमें उनसे कैरी करने थे तो हमने लिए हैं। गाइस मुझे स्कूटी नहीं सीखनी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैंने एक साथ में गाड़ी चलाना ही सीखा, मैंने ना साइकिल सीखी ना स्कूटी सीखी, मैंने सीधा गाड़ी ही सीखी, गाड़ी सीख भी ली, एक दिन मेरे ठुक गया एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन से जरा मुझे डर बैठ गया है, तो मैं उस दिन से ट्राई नहीं करती ड्राइविंग। तो चलते हैं लेट्स गो, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? गीता कॉलोनी रामलीला, हम गीता कॉलोनी में तो घूम रहे हैं, रामलीला ग्राउंड जा रहे हैं, रामलीला मैदान। देखते हैं गाइस की बार रामलीला हो रही है नहीं, वैसे तो नहीं हो रही क्योंकि परमिशन नहीं मिली है, बट वहाँ बोर्ड तो लगा हुआ था, देखते हैं बच्चा खुश हो जाएगा, देखते हैं बाहर से आ जाएंगे, ज़्यादा भीड़ में तो हमको जाना भी नहीं है वैसे भी। चलो आपको दिखाते हैं, दिल्ली में कितना रश, यूजली गाँव वगैरह में तो आधी रात हो जाती है 11 बजे। ये देखिए गाइस दिल्ली, ये है हमारी दिल्ली। क्या हैं कितना
ठीक है, मतलब अभी भी ना जाम लगा हुआ जिसे दिन में होता है, ऐसे ही है। देखिए गाइस, आप यूजली बहुत ज़्यादा रश है यहाँ तो, लग रहा है रामलीला हो रही है। आपको दिखाती हूँ मैं दूर से कि कैसी हो रही है रामलीला। गेट बंद कर गाइज, अब रात के बजे हैं 12:15, तो हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। कल अष्टमी है, कंजक के कंजक बिठाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइज। हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना प्लीज़। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।